हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम चावल के आटे से कुछ ऐसा बनाते हैं जो आप बाजार से नहीं ला पाएंगे, यानी कि आप घर पे आसानी से बना सकते हैं। तो यहाँ पे लिया हमने एक कटोरी चावल का आटा। फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे एक बाउल लिया है और ये आटा डालते हैं हम इसके अंदर, ये देखिए। तो फ्रेंड्स, अब हम इसमें इसी कटोरी के नाप से डालेंगे इसमें पानी, ये एक कटोरी और ये दो कटोरी। तो फ्रेंड्स, हमने डबल पानी डाल दिया है और इसका हम पेस्ट तैयार करेंगे। इस तरह से इसे घोलेंगे। फ्रेंड्स देखिए, हमने इसे घोल दिया है चावल के आटे को। फ्रेंड्स, यहाँ हमने नॉन स्टिक पैन लिया है और इसमें हम डालते हैं पानी, ये दो और तीन। तो फ्रेंड्स, सारा पानी हमारे चावल का रिसका हो गया 5 कटोरी। तो फ्रेंड्स, हमें पानी ऐसे ही रखना है जैसे मैं आपको बता रही हूँ, घोलते टाइम उसका दुगना और उबालते समय पानी एक कटोरी और, यानी कि 2 कटोरी वहाँ गिरा है तो 3 कटोरी हम यहाँ पे गिरेंगे, तो हमारा हो गया 5 कटोरी पानी। तो फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे पैन रख दिया है गर्म पानी के लिए और इसे उबालने देते हैं। और इसे में हम डालते हैं स्वाद अनुसार नमक और इस पानी को हम अच्छे से उबाल लेते हैं। ये देखिए, हमने ढक दिया है। तो फ्रेंड्स, हम प्लेट उगाड़ के देखते हैं, ये देखिए। तो फ्रेंड्स, हमने प्लेट उगाड़ दी है और हमारे पानी में उबाल आ चुका है और गैस को हम रखेंगे मीडियम। अब हमने ये चावल का जो पेस्ट बनाया था ये डालते हैं इसके अंदर, ये देखिए, और थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे फ्रेंड्स ताकि गुठलियाँ ना पड़े। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं, मैं अपने हाथ से ही अकेली वीडियो बनाई क्योंकि यहाँ पे कोई है नहीं, ये देखिए। तो हमें चावल का आटा सारा इसी तरह डालना है। देखिए, हमारा चावल का आटा हमने यहाँ पे ऐड कर दिया है और इसको हम लगातार चलाते रहेंगे जब तक कि हमारा पानी सोख ना ले, और इस तरह चलाते रहेंगे ताकि ये चावल का आटा नीचे ना लगे। फ्रेंड्स, हमें भारी तले का ही बर्तन लेना है, नहीं तो ये चावल का आटा हमारा जल जाएगा। तो वो फ्रेंड्स, हम इसी तरह चलाते रहेंगे इसको। फ्रेंड्स देखिए, हमें लगातार चलाते हुए 20 मिनट हो चुके थे क्योंकि वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। और ये हमारे चावल का आटा पक के तैयार है। अब हम इसे थोड़ा ठंडा करते हैं। चावल का आटा ठंडा हो चुका है। अब हम एक एक चमचा करेंगे ये कटोरियों में। हमने यहाँ पे 3 कटोरी ली हैं, ये देखिए फ्रेंड्स, और एक चमचा ये रहा। तो हमने ये 3 कटोरियों में कर लिया है और इसे रखते हैं साइड में। और यहाँ पे लिया है हमने पीला फूड कलर और थोड़ा सा ये पाउडर वाला है, तो हमने बहुत थोड़ा सा, आधी ही चम्मच में, बहुत ज़रा सा, यानी कि इतना थोड़ा सा, और इसमें डालते हैं पानी और इसे घोलते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, हमारा ये घुल चुका है। अब हम डालते हैं इस कटोरी के अंदर। अगर आपको हल्का कलर लग रहा है तो आप और भी डाल सकते हैं, पर ज़्यादा नहीं। और इसे अच्छे से करते हैं मिक्स। तो फ्रेंड्स देखिए, हमने यहाँ पे ये कलर पीला घोल दिया है। अब हम लेंगे दूसरी कटोरी और इतना ये है हमारा ग्रीन पाउडर, ये फूड कलर है। आप इसकी जगह सिरप वाला भी ले सकते हैं। और इसमें डालते हैं थोड़ा सा पानी और इस तरह घोल लेंगे, ये देखिए फ्रेंड्स, ये घुल गया है। अब डालते हैं हम इसके अंदर और इसे अच्छे से करते हैं मिक्स। तो फ्रेंड्स ये देखिए, हमारा यहाँ पे ग्रीन कलर के ये चावल का आटा तैयार है। अब हम लेते हैं तीसरी कटोरी। तो फ्रेंड्स ये देखिए, हमने यहाँ पे चम्मच में पानी ले लिया है और हमारा कलर बिखर गया था, तो प्लेट में हम हाथ से इस तरह डाल देंगे और इस तरह घोल देंगे, ये देखिए, और इसमें डाल देंगे।
अगर आपको लाइट कलर लग रहे हैं तो आप और भी डाल सकते हैं, और इसे करते हैं अच्छे से मिक्स। तो फ्रेंड्स देखिए हमारा ये रेड कलर भी तैयार हो चुका है। और फ्रेंड्स हमने यहाँ पे लिए कॉर्न, ये हमने फॉल की पिन्नी से बनानी थी, तो हमारी दो फॉल से चार ये कॉर्न बन गई हैं। अब हम एक एक करके इसमें ये बैटर डालेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए हमने यहाँ पे बैटर डाल दिया है, और यहाँ पे हम रबर बैंड डाल देंगे ताकि निकले ना। इसी तरह हमें इस अलग अलग कोन में सारी भननी है। तो फ्रेंड्स देखिए हमने ये चारों कोनों में भर ली हैं। तो फ्रेंड्स देखिए हमने यहाँ पे प्लास्टिक बिछा दी है, और हम एक कोन को इस तरह काटेंगे थोड़ा सा सभी को। ये देखिए, ये देखिए फ्रेंड्स हमने चारों में कट कर दिए हैं। अब हम अपने हिसाब से यहाँ पे कचरी बनाते हैं। तो फ्रेंड्स आप अपने हिसाब से ये बना सकते हैं कलरफुल कचरी घर पे, और ये देखिए इस तरह से, ये देखिए ये हमने पीले कलर की बना के दिखा दी है आपको। अब हम लाल कलर की बना के दिखाते हैं। फ्रेंड्स ये देखिए, और फ्रेंड्स इसी तरह हम सारी कचरी बनाएंगे। ये देखिए हमने लाल बना दी है। अब बनाते हैं हम ग्रीन वाली से। तो फ्रेंड्स देखिए हमारी इसमें ग्रीन कचरी बनी हुई पहली आ रही है, वो वीडियो में आई नहीं थी, तो अब हम दोबारा बना के दिखा रहे हैं। ये देखिए कितने अच्छे से बन रही हैं। और अब हम वाइट वाली बनाएंगे, ये देखिए। तो फ्रेंड्स इसी तरह हम सारी कचरी बना लेंगे, और हम इन्हें बनाने के लिए पूरा दिन लग जाता है फ्रेंड्स। अब हम इन्हें 4-5 घंटे धूप में सुखाएंगे। तो फ्रेंड्स देखिए हमारे यहाँ पे कचरी सूख गई है, अब हम इन्हें फ्राई करते हैं। तो फ्रेंड्स हमने यहाँ पे तेल गरम करने के लिए रख दिया था, अब हम इसमें कचरी छोड़ते हैं और गैस को रखेंगे मीडियम। ये देखिए, और ये देखिए फ्रेंड्स कितने अच्छे से भुनी है, हमने एक ही छोड़ के देखी थी। तो हम इसी तरह सारी कचरी छोड़ेंगे अपनी कलरफुल, ये देखिए। और इसमें हमने सोडा वोड़ा कुछ नहीं डाला, ऐसे ही बनाई है आप देख सकते हैं। और इन्हें निकाल लेते हैं, तो ये देखिए ये भुन गई है। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे कितने अच्छे से फूली है हमारी कचरी, और कितने अच्छे से बनी है और कलरफुल। फ्रेंड्स अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करना ना भूलें। और मिलते अपनी नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।